अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एंड दिस वीडियो इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन। इसमें हम ये देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, उनके दरमियान ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन कहाँ पे होता है और फ्रिजिड जोन कहाँ पे होता है, अर्थ को हम कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं और टाइम जोन्स क्या होते हैं, GMT +1, +2, +3, +4 का क्या मतलब होता है, ठीक है। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान अगर GMT+5 पे है तो उसका क्या मतलब है। फॉर ऑल दैट जस्ट फॉलो द वीडियो। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि दुनिया क्या है, गोल है, ठीक है, एक स्फीयर है, वर्ल्ड क्या है, एक स्फीयर है। अगर मैं इस स्फीयर को हाफ करूंगा, अगर मैं स्फीयर को हाफ करूंगा तो ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये हाफ जिसको हम हेमी कहते हैं और एक ये हाफ हो जाएगा जिसको हम हेमी कहते हैं। तो ये आधा स्फीयर है तो इसलिए इसको हम कहते हैं हेमीस्फीयर, और ये एक आधा स्फीयर है इसलिए हम इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। तो जब हम स्फीयर को दो में डिवाइड करें दिस इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। तो इससे बहुत हमारी हेल्प होने वाली है, आप डायरेक्शन लगाएं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। आप दो दफा सर्कल बना लें, एक यहां पे एक दफा, एक यहां पे दूसरी दफा बनाएं और एक यहां पे सिंपल ना माउंटेन बना लें, ठीक है। अब एक दफा आप दुनिया को डिवाइड करें बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इसकी बेस पे नजर आ रहा है, दुनिया को डिवाइड करें बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और एक दफा दुनिया को डिवाइड करें बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, इसकी बेस पे नजर आ रहा है। ईस्ट एंड वेस्ट, पहले हमने क्या किया, नॉर्थ एंड साउथ, अब हमने किया ईस्ट एंड वेस्ट, और ये सिंपल सरफेस है और उस सरफेस से ऊपर क्या है, माउंटेन है। अच्छा, अब आप देखो कि जब आपने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया, जब हमने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आया, हमारे पास ये आया कि ये हमारे पास हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारे पास क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, वर्ल्ड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब इसको मजीद हम सोल्टिफाई करते हैं कि ये सर्कल है, इसको हमने 0 डिग्रीज पे डिवाइड किया तो ऊपर यहां पे नॉर्थ तक ये 90 डिग्रीज होंगे और नीचे साउथ तक यहां पे कितने डिग्रीज होंगे, 90 डिग्रीज होंगे। 0 पे इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्रीज और इक्वेटर से नीचे भी 90 डिग्रीज। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि ये जो सेंटर है और इस सेंटर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये सेंट्रल लाइन जो अर्थ को इस 0 डिग्री पे डिवाइड करती है, इस सेंट्रल लाइन को कहते हैं इक्वेटर। वो सेंट्रल लाइन जो अर्थ को 0 डिग्री पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर से जितना आप नॉर्थ जाएं और जितना आप साउथ जाएं तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस 0 डिग्री इक्वेटर अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड अप टू 90 डिग्री साउथ इज कॉल्ड लैटिट्यूड। मैं इसको रिपीट करता हूं, हमने अर्थ को डिवाइड किया बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर,
फिर मैंने क्या किया, मैंने अर्थ को डिवाइड किया 0 डिग्रीज के साथ, ऊपर 90 डिग्रीज तक और नीचे 90 डिग्रीज तक, क्या 0 स्फीयर में 180 एक लाइन पे 180 डिग्रीज होते हैं, 0 इधर, ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री। फिर मैंने ये बताया कि इस 0 डिग्री इक्वेटर से जितना आप नॉर्थ जाएं, जितना आप साउथ जाएं, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहीं यहां पे करके आता है, ठीक है, तो पाकिस्तान है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। सारी जिंदगी हमने रट्टे लगाए होंगे लेकिन समझ नहीं आई होगी, ये है पूरा उसका क्रक्स कि पाकिस्तान नदरन हेमिस्फेयर में है, पाकिस्तान नदरन हेमिस्फेयर में है। और स्टार्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से पाकिस्तान स्टार्ट होता है, ठीक है, ये है लैटिट्यूड। अब हम देखते हैं कि वो लाइन जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, वो लाइन जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन, उस लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है। और ये भी वैसे ही है कि यहाँ पे अगर डिवाइड करेगी तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री, और इधर जो हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज एक लाइन पे कितने डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्रीज, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये मेरिडियन अर्थ को किस में डिवाइड करती है, दो हेमिस्फेयर में, किस में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और इस लाइन को हमने कहा मेरिडियन, इस लाइन को हमने कहा मेरिडियन। तो इस मेरिडियन से जितना आप ईस्ट जाएं और जितना आप वेस्ट जाएं, इस मेरिडियन से जितना आप ईस्ट जाएं और जितना आप वेस्ट जाएं, सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेरिडियन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, Distance from this meridian into east and west is called longitude. और पाकिस्तान कहां पे है, ईस्टर्न longitude में है। तो ये दो बातें क्लियर होगी, latitude and longitude, मैं रिपीट करता हूं। latitude क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, वो लाइन जो अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करती है, सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेटर इनटू नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड लैटिट्यूड, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेरिडियन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो अभी तक हमारी दो टर्म्स क्लियर हुई, एक है लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब तीसरी हमारी एक टर्म होती है, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सिंपल सरफेस से जो आपकी हाइट होती है, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। जैसे मुल्तान का और जैसे मरी का जो एल्टीट्यूड है उसमें डिफरेंस है, ठीक है, मुल्तान सरफेस पे है और मरी क्या है, उससे ऊपर है, ठीक है। अब दुनिया में होते हैं क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक जोन्स, तो दुनिया में क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करने के लिए आप ये देखें कि ये अर्थ है राउंड, ठीक है। अब देखते हैं कि इस अर्थ में यहां पे इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे, और इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड यहां पे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ,
ये जो है ये लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बड़ा एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि नॉर्थ में गया है साउथ में गया है। इस इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इनके दरमियान ये जो रीजन है, इनके दरमियान ये जो रीजन है, इस जोन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस जोन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और बात यह है कि इस ट्रॉपिकल जोन में, जिसको यहां पे हमने बनाया इक्वेटर से आसपास 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहां पे सन रेज पड़ती हैं सीधी, इसलिए यहां पे कोई भी सीजनल चेंज नहीं होती। मतलब मलेशिया, थाईलैंड और उसके साथ इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज हैं जो अराउंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर हैं, जहां पे ट्रॉपिकल जोन है, वहां पे कोई स्प्रिंग, कोई ऑटम, कोई विंटर नहीं होती। एवरेज टेम्परेचर जो है वो अराउंड अराउंड रूम टेम्परेचर वेरी करता रहता है। अब क्योंकि ये सन के बिल्कुल जहां पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए वहां पे कोई भी सीजनल चेंज इस ट्रॉपिकल जोन में नहीं होती। तो फिर सीजनल चेंज कहां पे होती है? आप इससे ऊपर जाएं 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे आए 66.5 डिग्री साउथ। एक दफा इसको भूल जाएं जो हमने जोन बनाया, इसे ऊपर जाएं 66 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 से ये 66.5 से ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, ये जो जोन बनता है इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन क्योंकि पोल्स पे है, जिस तरह ये सेंटर में था, और कोई भी सीजनल चेंज नहीं है क्योंकि गर्मी है, एवरेज गर्मी, मतलब गर्मी भी इतनी नहीं, मॉडरेट सा टेम्परेचर, लेकिन कोई सर्दी नहीं, कोई स्प्रिंग नहीं, कोई बहार नहीं। इसी तरह ये वाला जो जोन है, जिसमें हमने देखा कि ये बिल्कुल ही नॉर्थ में है या बिल्कुल कहां पे है, साउथ में है, ये है फ्रिजिड जोन। और यहां पे भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ आइस है और बर्फ है और कुछ भी नहीं है, कोई यहां पे सीजनल चेंज नहीं है। फिर दोबारा तो फिर सीजनल चेंज कहां पे है? तो बच्चों सीजनल चेंज ये इस दरमियान वाले जोन में है, जिसको हम मिला के कहते हैं टेम्परेट जोन। और दुनिया में रहने के लिए जो सबसे फेवरेबल है, दिस इज टेम्परेट जोन, दिस इज टेम्परेट जोन द मोस्ट फेवरेबल। तो अब देखें हमने कितने जोन्स बनाए, हमने पांच जोन बनाए। कौन कौन से? एक हमने बनाया नदरन फ्रिजिड जोन, एक हमने बनाया ये नदरन फ्रिजिड जोन, ठीक है, नदरन फ्रिजिड जोन। उसके बाद हमने कौन सा बनाया? उसके बाद हमने बनाया नदरन टेम्परेट जोन, ये वाला। उसके बाद हमने बनाया नदरन टेम्परेट जोन। उसके बाद हमने कौन सा बनाया? उसके बाद हमने बनाया ये वाला ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद हमने कौन सा बनाया? उसके बाद हमने बनाया ये सदरन टेम्परेट जोन। और उसके बाद हमने कौन सा बनाया फिफ्थ पे? ये वाला सदरन फ्रिजिड जोन।
ठीक है। उसके बाद जो एक कंसेप्ट मैंने और बताया था वो ये देख लो कि अर्थ है गोल, ठीक है, और सर्कल में डिग्रीज होते हैं 360 डिग्री। सर्कल में डिग्रीज कितने होते हैं? 360 डिग्रीज, ठीक है। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 आवर्स। सर्कल में डिग्रीज कितने होते हैं? 360 डिग्रीज। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। और 24 को 360 पे डिवाइड करो तो यहां पे बनता है 15 डिग्री। सर्कल में डिग्रीज 360, एक दिन में आवर्स होते हैं 24, और 24 को डिवाइड किया हमने तो यहां पे ये बना 15 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ की इधर अगर हम एक 0 डिग्री पे लाइन लगाएं तो इसको हम कहते हैं GMT लाइन, या इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यहां पे टाइम होता है 0 डिग्री, मतलब 0 आवर्स। इस 0 आवर्स से इधर ईस्ट की तरफ जो टाइम जोन्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और इससे इधर जो आवर्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पे होगा +1, यहां पे होगा +2, यहां पे होगा +3, यहां पे होगा +4, यहां पे +5, +6, इधर -1, -2, -3, -4, -5। इनको कहते हैं टाइम जोन्स। दुनिया में इनको कहते हैं टाइम जोन्स। एक टाइम जोन से जब दूसरे टाइम जोन में हम जाते हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ये 15 डिग्री का होता है। क्यों? बिकॉज अर्थ में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, गोल है, और एक दिन में आवर्स होते हैं 24, तो यहां से निकला 15 डिग्री। उसका मतलब है कि हर 15 डिग्री पे एक आवर चेंज हो जाता है। इसको मैं मजीद आपको सही समझ आएगी। आप जब भी टाइम ठीक करने लगते हैं तो ये लिखा आता है पाकिस्तान का GMT +5 इस्लामाबाद। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान +5 पे है, और एक एक कितने के बराबर है? एक एक जोन कितने के बराबर है? 15 डिग्री के बराबर। तो पाकिस्तान अगर +5 पे है तो पाकिस्तान कितने पे होगा? 15 + 5, पाकिस्तान होगा 75 डिग्री। अब +5 प्लस किधर है? ईस्ट में है, तो यहां पे आ जाएगा ईस्ट, तो पाकिस्तान 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान किस ट्रॉपिक पे, किस लॉन्गिट्यूड में है, किस लैटिट्यूड में है। ये पता हो चीजें तो आप सुकून से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अर्थ सर्कल अर्थ को डिवाइड करती है, अर्थ को डिवाइड करते हैं हम 24 से, बिकॉज एक दिन में आवर्स होते हैं 24 को हम डिवाइड करते हैं 360 पे, हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री, ठीक है। फिर हमने डिवाइड किया दुनिया को टाइम जोन्स में, इन टाइम जोन्स में हमने क्या देखा कि इधर ईस्ट में जाएं तो होते हैं +आवर्स, और इधर वेस्ट में जाएं तो होते हैं -। तो पाकिस्तान हम देखते हैं GMT +5 पे है। इसका मतलब तो मैं ये समझाया कि एक जोन कितने के बराबर होता है? 15 डिग्री के। तो 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो अब PPSC में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक कंट्री है वो है 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, और वहां पे बजे हैं 3 AM हो गए। एक कंट्री है वो उससे आगे है 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, तो वहां पे टाइम क्या होगा? अब ईस्ट में है, ईस्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया, टाइम जोन्स प्लस होते हैं, ठीक है, टाइम जोन्स प्लस होते हैं। फर्क कितना है इन दोनों के दरमियान? 30 डिग्री का। और एक एक
जोन कितने के बराबर तुम्हें बताया, 15 डिग्री के, तो दो कितने के बराबर हो जाएंगे, 30 के, तो मतलब उनमें 2 आर्स का फर्क होगा। ठीक है, अब जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आर्स क्या हो जाते हैं, प्लस, तो मतलब वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पे 5 बज रहे होंगे। तो ये जो अक्सर आपको दोस्त कहते हैं ना, आप उसको फोन करते हैं यार वहां पे क्या टाइम हो रहा है, हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उल्लू के कानों यहां से तुम अगर ये देख लो ना कि वो किस जोन में है या वो किस लॉन्गिट्यूड में है, तो आपको मसला ही नहीं होगा, आप सुकून से फाइंड कर सकते हैं कि हम कितने आवर्स आगे बैठे हैं या कितने आवर्स पीछे बैठे हैं। उपसो तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एशिया है, एशिया को हम किस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, एशिया में हम ये किस तरह देख लेते हैं कि नॉर्थ एशिया कैसे है, एशिया में हम कैसे देखते हैं कि साउथ एशिया कैसे है, एशिया में हम कैसे देखते हैं कि ईस्ट एशिया कैसे है और वेस्ट एशिया कैसे है और सेंट्रल एशिया कैसे है, और ये देखो वही लाइन दोबारा लगाओ, नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और देखो कि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट। साउथ ईस्ट एशिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम ये सारी डिटेल्स में देखेंगे। अगर तुम्हें मजीद लगता है कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी यार मैं कोई सर शर नहीं हूँ, मैं एक बड़ा हम्बल सा बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो तो आपको हेल्प आउट करेंगी, तो इसलिए मैं बना देता हूँ। एंड आपकी दुआओं के लिए ढेर सारा शुक्रिया, बाकी अल्लाह ताला आपको ढेर सारा कामयाब करें। थैंक यू सो मच।